hello everybody how are you all i hope each one of you is fine and doing great in your studies so as i have mentioned in the to-do list today that uh, i will attain the uh, rrbpo means mock test number two from great So, so i have attempted but my mock test was not good because uh, i couldn't attempt uh, two sections that is general uh, awareness and computer due to नेटवर्क ग्लीचेज एक्चुअली आज रेन भी था काफ़ी तो उस वजह से कुछ इशू था एंड आई डोंट नो पता नहीं कैसे फिर रिफ्रेश किया मैंने तो वो रिलोडिंग में एक्चुअली सेक्शन मिस हो गया या कुछ था तो अटम्प वो सॉरी सबमिट हो गया फिर नाउ लेट सी स्कोर्स सो आई गॉट सेवेंटी फोर पॉइंट फोर मार्क्स एंड कट ऑफ वॉज सेवेंटी वन पॉइंट सेवन फाइव एंड माई रैंक इज थ्री फोर्टी टू एंडल इज एटी एस यू कैन सी सो वही है कट ऑफ इज क्लियर बट यू नो अगर आपके फाइव सेक्शन आपने अटैम्प नहीं किया है प्रॉपरली ठीक है आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं है तो ओवरऑल कट ऑफ आपकी क्लियर भी है या आपके मार्क्स भी जैसे भी हैं तो उससे मैटर नहीं करता ठीक है क्योंकि आरआरबी में आपको सारे सेक्शन को बहुत अच्छे से टाइम देना है उनकी सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर ही करनी है तो वैसे भी उसी एक्सपीरियंस भी आपको मॉक टेस्ट भी करना है कि आपको हर सेक्शन को साथ में लेके चलना है ठीक है सारे सेक्शन के क्वेश्चन एंड उनका टाइम सब कुछ मैनेजमेंट इसीलिए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हम करते हैं जिससे हमारा जो भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है या फिर जो सेक्शनल रह जा रहा है वो सब चीज़ें मैनेज हो पाएँ तो अगर वो नहीं हो पा रही है तो दैट मीन्स कि मॉक में कहीं ना कहीं हमने कमी की है ठीक है तो ये रहा एंड जो सेक्शनल स्कोर्स है मेरा रीजनिंग का थर्टी टू एंड कॉन्ट में मैंने इसको किया है नाइनटीन पॉइंट थर्टी एट एंड उसके बाद इंग्लिश मैंने अटम की थी देन उसमें मेरा स्कोर रहा है ट्वेंटी एंड फोर क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए हैं एंड रीजनिंग में थ्री क्वेश्चन रॉन्ग थे या थ्री क्वेश्चन वही रॉन्ग हुए जो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के बार मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के थ्री क्वेश्चन किए थे एंड वही रॉन्ग हुए हैं एक कोर्स ऑफ एक्शन का था एक इन्फ्रेंस पेज था एक एजम्शन पे था तो वही थ्री क्वेश्चन रॉन्ग हुए मैंने बाद में एनालिसिस में देखा था एंड रही बात थोड़ा सा टाइम हाँ रीजनिंग में ज़्यादा लग गया है बिकॉज फोर्टी एट मिनट है तो उसमें एक पजल है आ, लास्ट में दी हुई है रेक्टेंगल बेस्ड है तो जो लोग मॉस्ट मोक्टर जिन्होंने अटैम्प्ट किया होगा तो पता होगा जिन्होंने जो करने वाले हैं जो करेंगे मैं उनके लिए बता रही हूँ कि ठीक है कि अगर आपको आप अटैम्प्ट कर रहे होगा हो जा रहा है एक दो बार में अटैम्प्ट में, तो ही कीजिएगा ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिएगा उस पर ठीक है क्योंकि मैंने अटैम्प्ट किया है एंड मैंने उसको आई थिंक मैक्सिमम फोर टाइम्स को अटैम्प्ट किया बट स्टिल आई कुडंट मेक दैट तो इसीलिए मैं आपको अवेयर कर रही हूँ एंड uh, एक और था मशीन इनपुट था उसके भी सारे स्टेप्स मेरे हो गए थे एंड फर्स्ट स्टेप में मैं स्टक कर वही मतलब नहीं हो रहा था मुझसे बाकी सारे स्टेप आ गए थे तो उस पर भी मैं थोड़ा सोचने लगी कि मतलब सारे स्टेप निकल गए थे बस एक स्टेप आ जाए तो सारे मतलब हो जाएंगे तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया तो ये दो क्वेश्चन थे जिसमें मैं स्टक कर गई थी रीजन सेक्शन में तो आप लोग भी अटैम्प कीजिएगा तो पहले उस तरह के क्वेश्चन अटैम्प कीजिएगा जो आपसे लग रहा है डुएबल हैं या जो हो जा रहे हैं ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिएगा किसी क्वेश्चन पर हालांकि पज़ल में कुछ था नहीं एंड जो मशीन इनपुट में था बस एक ही स्टेप के थे तो होता है कि जब सब कुछ आ गया तो एक स्टेप नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा है आ, सारे लॉजिक मैंने लगा दी बट तो मुझे नहीं समझ आ रहा आप लोग देखिएगा अटम्प कीजिएगा हो सकता है वो आप लोगों से हो जाए ठीक है माइंड सबका अलग अलग हर टाइम पर वर्क करता है तो चीज़ें मैटर करती हैं एंड uh, उसके बाद मैंने कंप्यूटर में मैंने बताया कि वो पता नहीं क्या हुआ नेटवर्क की वजह से तो फिफ़्टी नाइन सेकेंड भी बचा था जितना मैं कर पाई तो मैंने वही सेवन क्वेश्चन किए थे जिसमें से दो रॉन्ग हो गए हैं एंड तो भी मेरा स्कोर बना है टू पॉइंट टू फाइव एंड जरूर से मैंने वही थ्री सेक्शन के बाद मैंने अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी जी में कुछ नहीं किया मैंने टाइम ताँ, वही टाइम मैंने वन आवर थर्टी थ्री मिनट टोटल टाइम दिखा रहा है ठीक है तो यही दो सेक्शन मुझसे मतलब मैं नहीं कर पाई तो इस वजह से मेरा जो भी ओवरऑल स्कोर जो बना है यही बना है ठीक है बाकी दो सेक्शन हुए ही नहीं तो आप लोग भी जब अटैम्प कीजिएगा अपना मॉक टेस्ट तो जिन्होंने नहीं किया है अभी तक अच्छे से कीजिएगा सारे सेक्शंस को प्रॉपर टाइम दीजिएगा एंड सारे सेक्शन की सारे सेक्शन की सेक्शन कट ऑफ जरूर क्लियर होनी चाहिए ठीक है क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने स्कोर कार्ड अपलोड किया था काफ़ी लोगों ने सिर्फ दो ही सेक्शन या तीन सेक्शन या किसी ने बिल्कुल भी सेक्शन को स्किप कर दिया था ऐसा मत कीजिए ठीक है अगर आप नहीं एक्सपीरियंस हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले दो तीन मॉक टेस्ट आप सबमिट कर दीजिए उनकी प्रॉपर एनालिसिस कीजिए एक आइडिया ले लीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चन आप बना सकते हो या कर सकते हो एंड आपको कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं कौन से करने हैं एक आइडिया ले लीजिए उसके बाद आप मॉक टेस्ट पूरा आराम से फुल कंसनट्रेशन के साथ अच्छे से दीजिए ठीक है तो आवर आप बैठ के आराम से ठीक है एक आइडिया लेने के लिए आप दो तीन मॉक टेस्ट पहले सबमिट कर दिए करिए उनको फिर प्रॉपर एनालिसिस कीजिए फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा जो बिगनर्स हैं जिन्हें आइडिया नहीं है मेंस का ठीक है लेकिन आपको जब आप मॉक टेस्ट अटेम करो मेंस का तो आप अगर फुल टाइम अच्छे से दे रहे हो टू आवर्स का तो सारे सेक्शन को प्रॉपर टाइम दीजिए सारे सेक्शन की कोशिश कीजिए आपकी सेक्शनल कट ऑफ जरूर क्लियर होनी चाहिए ठीक है क्योंकि आर आर बी पी ओ मीन्स में आपका आर आर बी की जो भी एग्जाम है आपके आर आर बी क्लियर एंड पी ओ के उसमें सेक्शनल कट ऑफ मैटर कर दिए तो इन सब चीज़ों का बैलेंस हमें मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस करनी है तो ऑब्वियसली यहीं से प्रैक्टिस करनी है तो वो, वो चीजें ध्यान रखनी है आपको तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा एंड अपने भी स्कोर्स जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में ठीक है एंड बाकी uh, मैंने गाड़ी की बंडल पीडियल जो सॉल्व की थी तो जिनके पास नहीं है आप लोग अगर परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हो अभी ऑफ़र चल रहा है वहाँ पर फिफ्टी की सेल चल रही है एंड इफ़ यू यूज़ कोड अस तो आपको ट्वेल्व का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है तो ओवरऑल 62 परसेंट का डिस्काउंट है तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो मेंस लेवल के न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस चाहते हैं जी के लिए प्लेटम मॉकमे जो भी आपको जो भी चीज़ें हैं मॉकटेस हो चाहे जी के लिए हो या फिर बंडल पीडीएफ वगैरह हो तो आप परचेज कर सकते हो ठीक है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूँगी सो थैंक यू अभिवन एंड गुड नाइट